इटावा में पुलिस ने नकली तेल का धंधा करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में डाबर आमला नकली तेल की बोतलें बरामद हुई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधी लंबे समय से डाबर आमला तेल की शीशियों में नकली तेल मिलाकर बेचने का धंधा करते थे, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घर में छापेमारी की और दो आरोपियों को हिरासत में लेकर भारी मात्रा में डाबर आमला की नकली शीशियां बरामद की। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो इन शीशियों को बाजार में अच्छे दामों में बेच देते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि डाबर कंपनी का नकली तेल यहाँ पर किसी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो फिर हमारे द्वारा पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम को गठन किया गया। वहाँ पर रेड मारी गई तो फिर पता चला कि एक दो व्यक्ति हैं जो कि डाबर कंपनी के नाम से नकली तेल बना रहे थे। वहाँ पर 500 से ज़्यादा शीशी भरी हुई तेल की और करीब 400 शीशी खाली, इसके अलावा हज़ारों की मात्रा में 5000 रैपर्स जो हैं डाबर के नकली, वो बरामद हुए हैं। तो हम लोगों ने चीटिंग और फोर्जरी का मुकदमा लिखकर उन दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।